उज्जैन निवासी एक डंपर मालिक ने अधिकारियों पर यह आरोप लगाया है कि उन्होंने अवैध तरीके से उसके डंपर पर रात सात करने की कार्यवाही की। राजेंद्र नगर उज्जैन निवासी अनिल पाटीदार माइनिंग का कारोबार करते हैं। करीब 8 माह पूर्व घटिया क्षेत्र में उनके डंपर जिसमें गिट्टी भरी थी को तहसीलदार शिवराम कनासे ने जब्त कर लिया था। अनिल पाटीदार का कहना है कि उनके डंपर पर उस समय रॉयल्टी की रसीद उपलब्ध थी, मगर उसके बाद भी अधिकारियों ने बगैर रॉयल्टी खरीद परिवहन का केस बनाते हुए उनके डंपर को जब्त कर घटिया थाना पर सुपुर्द कर दिया। विगत 8 माह से डंपर थाने पर खड़ा है और एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी ने एक आदेश जारी कर उस डंपर को रात सात करने की कार्यवाही कर दी है। अनिल पाटीदार का कहना है कि उसके द्वारा खनिज विभाग के संचालक से इस मामले में स्थगन की प्राप्त कर लिया गया है, मगर 2 माह से अधिकारी उसकी सुनवाई ना करते हुए उसके डंपर को छोड़ नहीं रहे हैं, बदले में उससे रिश्वत की मांग भी की जा रही है। अनिल पाटीदार का यह भी कहना है कि उसके द्वारा लोन लेकर डंपर का संचालन किया जा रहा था। 8 महीने से डंपर नहीं चलने से उसे बैंक की किश्त भरनी पड़ रही है और उसकी आर्थिक स्थिति भी काफी खराब हो गई है। डंपर आज से 8 महीने पूर्व घटिया तहसीलदार महोदय ने जब्त किया था, उसकी बिना किसी सुनवाई के किए कलेक्टर महोदय ने रात सात कर दिया। जब मैंने अपील खनिज संचालक भोपाल में की तो उन्होंने इनके फैसले को अपास्त कर पुनः प्रत्यावर्तित कर इसके गुण दोषों के आधार पर उचित कार्रवाई करने को कहा गया। आज इतने दिनों के बाद भी किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं है और जो अधिकारी है वो सब अपनी अनुचित मांग रख रहा है, जिसको मैं देने असमर्थ हूँ। और मेरी गाड़ी की किस्त फाइनेंस है जो अभी ड्यू चल रही है। किस किस लेवल में पैसे मांगे गए आपसे, कहाँ कहाँ मांगे गए? जहाँ मामला विचाराधीन है वहीं कहा गया उनके द्वारा, बोले ऐसे न्याय नहीं मिलेगा। आप अगर यहाँ आते हो एडीएम सूर्यवंशी साहब के यहाँ प्रकरण विचाराधीन है। हाँ, क्या बोले वो? वो कहते हैं कि भैया मंदिर भी जाते हो कि नहीं आप? जी साहब जाता हूँ। तो वहाँ कुछ खाली हाथ जाते हो या कुछ लेके जाते हो? इस तरीके के शब्द यूज किए जा रहे हैं।